गिरती हुई जीडीपी दर को लेकर जहां एक तरफ मोदी सरकार लगातार तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व तमाम कांग्रेसी नेताओं के अलावा मायावती, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे ये सभी नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इतने बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी तो आखिर कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा नीचे कैसे गिर गई, देश की जीडीपी दर इतनी ज्यादा नीचे कैसे गिर गई। जहां एक तरफ मोदी सरकार सवालों के घेरे में है, वहीं अब कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सामने झुकने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि अब मोदी सरकार को अपना घमंड छोड़कर मनमोहन सिंह, उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आखिर इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर एक बार फिर से कैसे लाया जाए। इन्हीं सबके बीच में बड़ा बयान सामने आ गया है पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर दरबारी लाल का। दरबारी लाल ने महामारी व सरकार की नीतियों के कारण डूबती अर्थव्यवस्था पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, केंद्र सरकार अगर अर्थव्यवस्था को उबारना चाहती है तो ऐसा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ विचार विमर्श करे ताकि इस परेशानी को लेकर कुछ सकारात्मक व ठोस कदम उठाए जा सके। दरबारी लाल का कहना है, कोरोना के कारण विश्व के बहुत सारे देशों की जीडीपी में कमी आई है। चीन जहां कोरोना वायरस शुरू हुआ वहां जीडीपी 3.2% से ऊपर है। यदि इसी तरह जीडीपी में वृद्धि दर नकारात्मक चलती रही तो भारत में मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। भाजपा नेता हर समय कांग्रेस को बुरा भला कहने के बजाय देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की तरफ ध्यान दे, आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा का हिसाब दे, देश में डिमांड पैदा करे ताकि असंगठित क्षेत्र में करोड़ों मजदूरों को रोजगार मिल पाए। यहां पर दरबारी लाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनसे सलाह मशवरा लेकर देश हित में, राष्ट्र हित में फैसले लेने चाहिए। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।